इस पूरे कार्यक्रम पर आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनिल गनेरीवाला से बातचीत की हमारे संवाददाता मनजीत नेकी ने। मोदी सरकार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनिल गनेरीवाला साहब हैं। अनिल जी, किस तरह की तैयारी है खासतौर से 21 जून को, क्योंकि पहली बार है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी जी मनाया जा रहा है। देखिए, जो भारत सरकार, जो आयुष मंत्रालय है, इनको जिम्मेदारी दी गई है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की भारत में, और जो विश्व के दूसरे देशों में जो है वो जिम्मा दिया गया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को। और हम लोग इसमें दो हमारे मुख्य कार्यक्रम रहेंगे। एक तो हमारा जो राजपथ पे एक मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें कि 35,000 लोग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग आएंगे, परफॉर्म करेंगे योगा। ऑलरेडी उनका ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है, उसमें हमारे NCC के कैडेट्स हैं, दिल्ली स्कूल के बच्चे हैं, हमारे जो आर्म पुलिस फोर्सेज के लोग हैं, डिफेंस के लोग हैं, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, और ऑफ कोर्स VVIPs भी हम उसमें, ऑनरेबल मिनिस्टर्स और हमारे MPs हैं, भारत सरकार के जो विभाग के सचिव और अवर सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी, सबको हम इनवाइट कर रहे हैं। और ट्रेनिंग के लिए हमने ऑलरेडी उनको एक इंस्ट्रक्शनल जो एक DVD बनाई है, बुकलेट बनाई है हिंदी इंग्लिश में, वो ऑलरेडी हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें। और उसके हमने जो ट्रेनिंग के लिए भी एक हमारे जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, वहाँ पर हम रेगुलर कोर्सेज हमारे 30 तारीख से शुरू हो गए, 3 कोर्स हम डेली कर रहे हैं, कि जो भी इंटरेस्टेड हो वो वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा जो घर पे करना चाहे उसके लिए DVD है और बुकलेट भी हमने बांट दिए हैं सबको।